यार मुझे आज तक तुम्हारा करेक्टर समझ ही नहीं आया। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। तो फ्रेंड्स, पोकेमोन जर्नीज की एक न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो मैंने कल एक कम्युनिटी पोस्ट डाला था जिसमें मैंने पूछा है कि गो आप सबको कैसा लगता है। तो मैं आपको कुछ कमेंट्स दिखा देता हूँ जिसमें गो की बहुत तारीफ करी गई है। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार, हाथ में आ जाए। मतलब देख रहे हो क्रिएटिविटी लोगों की, गो को इतना हेट किया जाता है। तो अब हम अपनी वीडियो पे आते हैं। तो आज का टॉपिक है, क्या गो रियली में ऐश को रिप्लेस करने वाला है? आज हम वो सब पॉइंट्स जानेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर मेरी साइड से कि मैं बिल्कुल नहीं चाहता गो ऐश को रिप्लेस करे, एंड मैं कभी भी नहीं चाहूँगा कि गो एक मेन कैरेक्टर भी बने, एंड वो सब पॉइंट्स मैं तुम्हें वीडियो में बताऊँगा। तो बिना कोई वक्त बताए आइए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को स्टार्टिंग करते हुए सबसे एक मेन पॉइंट बता देता हूँ जो मैंने नोटिस किया है, एंड वो है कि हमेशा हमने 7 जनरेशन देख लिया अभी पोकेमोन की, मतलब सन एंड मून तक जनरेशन 7 हुआ, एंड वहाँ तक हमने ये देखा कि ऐश कभी ना कभी एक स्टार्टर पोकेमोन तो पकड़ता ही है। जोटो जर्नी में उसने 3 स्टार्टर पकड़े, कैंटो जर्नी में भी उसने 3 स्टार्टर पकड़े, सन एंड मून तक भी उसने एक ना एक स्टार्टर तो पकड़ा ही। बट इन दिस सीजन यानी कि पोकेमोन जर्नीज में तीनों के तीनों स्टार्टर पकड़े गए हैं गो भाई साहब से। अभी 10-15 एपिसोड पहले एक एपिसोड आया था जिसमें गो ने ग्रूकी को पकड़ लिया था। आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि ग्रूकी को ऐश पकड़ेगा क्योंकि एक ना एक स्टार्टर तो ऐश के पास होना ही चाहिए था। बट यार जब ग्रूकी को पकड़ लिया गो ने, मतलब यार तुम खुद सोचो ना, पोकेमोन कंपनी तो पागल है नहीं, 7 जनरेशन में उसने ऐश से पकड़वाए स्टार्टर, बट इस जनरेशन में एक भी स्टार्टर नहीं दिया। अब आते हैं हम अपने सेकेंड पॉइंट पर। सेकेंड पॉइंट मेरा ये है, इस सीरीज़ में हम ऐश को एज अ मेंटर देख सकते हैं, एंड वो गो को कैसे मेंटरशिप दे रहा है। तो आगे जाके ये हमें पॉसिबिलिटीज़ दिख रही हैं कि ऐश जब वर्ल्ड टूर्नामेंट जीत जाएगा यानी कि लियोन को हरा देगा, तो वो एक मेंटर भी बन सकता है। मतलब कुछ ना कुछ पॉइंट्स दे रही है पोकेमोन कंपनी। अब पहले की तरह ऐश एक रुकी नहीं है, वो समझाता है लोगों को। थर्ड पॉइंट, इन्होंने गो को इंट्रोड्यूस किया एज अ सेकेंड प्रोटैगनिस्ट यानी कि सेकेंड मेन करेक्टर ऑफ दैट सीरीज़। बट मैंने ये चीज़ नोटिस करी है कि हमें ऐश ज़्यादा दिखता है सेकंड प्रोटैगनिस्ट की तरह। पोकेमोन जर्नीज में ऐसे एक दो एपिसोड भी हैं जिसमें हमें पूरे एपिसोड में ऐश नहीं दिखाया गया है। एक एपिसोड में सिर्फ गो ही था क्योंकि उसकी बैक स्टोरी दिखाई गई थी हमें गो की। एंड ये चीज़ यार सोचने वाली है कि मतलब पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि ऐश नहीं आता था, बट अब होने लग रहा है। एंड सेकेंड प्रोटैगनिस्ट मतलब स्क्रीन टाइम गो का मेरे सबसे ज़्यादा है ऐश से। एंड तुम खुद सोचो यार, ऐश की हमें अब तक कितनी अच्छी बैटल्स देखने को मिल गई हैं। अगर मैं अच्छी से अच्छी गिनवाऊँ तो वो सिर्फ 5 या 6 हैं, और अगर ये नॉर्मल सीरीज़ होती ना एटलीस्ट 10 या 15 मिल जाती। एंड गो को इतना ज़्यादा स्क्रीन टाइम दे रहे हैं कि मेरे को लग रहा है कि ऐश को इन्होंने एक सेकेंड प्रोटैगनिस्ट बना दिया है। अब अगर मैं एक बात बोलूँ कि मेरे को गो ऐसा पोकेमोन ट्रेनर अच्छा क्यों नहीं लगता, यार वो लिटरली एक पोकेबॉल फेंक के पोकेमोन पकड़ लेता है। मतलब भाई ऐसा क्या जादू है इसकी पोकेबॉल में, एंड उसका सपना है म्यू पकड़ना, एंड मेरे को लगता है पोकेमोन जर्नीज के एंड तक वो पकड़ भी लेगा जिस तरह से पोकेमोन कंपनी दिखा रही है। अब यार ऐश को देखो ना, उसने कितना स्ट्रगल किया, अब जाके अलोला लीग जीता था वो बेचारा। एंड यार क्या नहीं देखा उसने, कैंटो जर्नी हारा, जोटो जर्नी हारा, होइन जर्नी हारा, हर एक जर्नी हारा था वो। एंड यार तुम खुद सोचो, कैलोस लीग में इतना एंड तक पहुँच के हार गया था वो, तभी भी उसके नेवर गिव अप वाले गट्स थे। बट यहाँ पर गो को यार सीधा लेजेंडरीज पकड़वा रहे हो, एटर्नेटस जैसा पोकेमोन पकड़वा रहे हो। मेरे हिसाब से अगर तुम्हें गो को दिखाना ही था ना, तो यार उसको ऐसे दिखाते, उसने एक फर्स्ट स्टेज पे पोकेमोन पकड़ा है, फिर वो इवॉल्व करता और फिर से वो इवॉल्व करता, तो यार कितना ऑसम लगता ना कि वो इवॉल्व करा रहा है, ट्रेन करा रहा है पोकेमोन को। यहाँ पर ऐसा है नहीं, और ये पोकेबॉल वाला फंडा ऐश के साथ नहीं कर सकते इतना, क्योंकि उनको पता है ऐश पहले पोकेमोन को फ्रेंड बनाता है, तब जाके उसे कैप्चर करता है मोस्ट ऑफ द केसेस में। बट इसीलिए मेरे को गो एज अ ट्रेनर अच्छा नहीं लगता, क्योंकि यार लिटरली एक पोकेबॉल फेंक के अबे कुछ बैटल तो दिखाओ, कुछ पोकेमोन के साथ फ्रेंडशिप तो दिखाओ। बेटे तुझे थकान नहीं लग रही? वो सीधा का सीधा अपने पोकेमोन ट्रांसफर कर देता है। एंड मुझे नहीं पता अब ऐश के साथ ये पोकेमोन कंपनी चाहती क्या है। ऐश इनका अच्छा खासा मार्केट करवाता है और पूरे यार पोकेमोन को फेमस भी कराया पोकेमोन एनीमे ने, एंड हम भी यार फैन हैं और उसके नेवर गिव अप के भी हमेशा फैन रहेंगे। तो मेरे हिसाब से इस वीडियो में बस इतना ही था।
मैंने हेल्प लिया काफ़ी ज़्यादा वेबसाइट से, यूट्यूब वीडियोस भी देखी मैंने काफ़ी लोगों की, तभी मैंने वीडियो बनाई। मैं इस वीडियो का गोल मेरा यही था कि मैं तुम सबको बताऊं क्या क्या पॉइंट्स देखे हैं लोगों ने एंड क्या क्या बोल रहे हैं सब। तो अगर ये सब किया तो भाई मैं पोकेमोन कंपनी से बिल्कुल खुश नहीं होऊंगा, एंड ये बोल ही रहा हूं और हमेशा बोलूंगा कि गो को मैं एज अ मेन करेक्टर एक्सेप्ट नहीं करूंगा अभी के हिसाब से। आगे आके मुझे नहीं पता पोकेमोन कंपनी क्या जादू करे या कुछ भी करे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और पिछली वीडियो में जो तुमने सपोर्ट दिया बहुत अच्छा दिया यार सपोर्ट, थैंक यू सो मच, एंड आई होप इस वीडियो को भी सपोर्ट मिले। तो पोकेमोन जर्नीज देखते रहो एंड नेक्स्ट एपिसोड का इंतजार करो, ऐश के ओल्ड पोकेमोन आने वाले हैं। तो तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।